मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ, जहां पोषण आहार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वहीं कार्यवाही के बाद सीएम शिवराज ने पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि पोषण आहार मामले पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला किया है कि वक्तव्य के माध्यम से सदन और जनता के सामने पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट की जाए। वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है। इस अधिकार का अनेकों बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना था, क्योंकि कांग्रेस का तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, सरकार ने फैसला किया एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना ये सरकार का अधिकार और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से,